मोहाली की चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी एमएमएस कांड में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। जांच के लिए गठित की गई एसआईटी ने गिरफ्तार किए गए आरोपियों से जो पूछताछ की है उसमें कई अहम तथ्य सामने आए हैं। वीडियो बनाने वाली एमबीए की स्टूडेंट, उसका गठित बॉयफ्रेंड सनी मेहता और उसके दोस्त रंकज वर्मा से हुई पूछताछ में ये जानकारियां सामने आई हैं। साथ ही लड़की और एक आरोपी के बीच व्हाट्सएप चैट की डिटेल्स भी सामने आई हैं। बताया जा रहा है कि ये व्हाट्सएप चैट आरोपी लड़की और लड़के के बीच हुई। फोन में इस लड़के का नाम मोहित नाम से सेव था। इस चैट में लड़की अपने कथित बॉयफ्रेंड से कहती है, आज तो तूने मरवा दिया। जांच के दौरान पुलिस ने व्हाट्सएप चैट का जो ट्रांसक्रिप्ट हासिल किया है उसके मुताबिक लड़की आगे ये भी कहती है कि आज नहाती हुई लड़कियों का वीडियो बनाते हुए मुझे एक लड़की ने देख लिया। वो लिखती है, एक लड़की ने आज वीडियो बनाते हुए देख लिया। इसके बाद मोहित का जवाब आता है जिसमें वो कहता है, सारे मैसेज, लड़कियों के फोटो और वीडियो डिलीट कर दो। लड़की के फोन से मिले 12 से ज्यादा वीडियो। इस बीच ये जानकारी भी सामने आ रही है कि पुलिस ने आरोपी लड़की के फोन से एक दर्जन से ज्यादा वीडियो रिकवर किए हैं। हालांकि ज्यादातर वीडियो खुद आरोपी लड़की के ही हैं। इसके अलावा जो वीडियो मिले हैं उनमें किसी का चेहरा नजर नहीं आ रहा। पुलिस ने लड़की का लैपटॉप भी अपने कब्जे में ले लिया है। इसके अलावा उसके कथित बॉयफ्रेंड और दोस्त से भी 3 मोबाइल बरामद किए गए हैं। सभी मोबाइल और डिवाइसेस को फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है। लेकिन अब पुलिस के इस दावे को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं जिसमें ये कहा जा रहा था कि लड़की के मोबाइल से कोई और वीडियो नहीं मिला। लड़की को किया जा रहा था ब्लैकमेल। इस मामले की शुरुआती जांच में जो जानकारी सामने आई है उससे इस बात का पता चला है कि लड़की ने सबसे पहले अपने बॉयफ्रेंड को अपना खुद का वीडियो भेजा और ऐसा करके उसने बड़ी मुसीबत मोल ले ली। बॉयफ्रेंड सनी मेहता और उसका दोस्त रंकज वर्मा इन वीडियो को वायरल करने की धमकी देकर उसे ब्लैकमेल करने लगे और हॉस्टल की अन्य लड़कियों के वीडियो भेजने का दबाव बनाने लगे। लड़की दबाव में आकर बाथरूम में दूसरी लड़कियों के वीडियो बनाने लगी, लेकिन ऐसा करते हुए उसे किसी लड़की ने देख लिया जिसके बाद ये पूरा मामला खुल गया। बहरहाल आपको बता दें कि तीनों आरोपी अभी 7 दिन की पुलिस रिमांड पर हैं। तीनों से लगातार पूछताछ चल रही है। पुलिस को मोबाइल की फॉरेंसिक रिपोर्ट का भी इंतजार है जिसके बाद इस मामले में कई और खुलासे हो सकते हैं। क्या ये तीनों आरोपी किसी बड़े रैकेट का हिस्सा हैं? क्या इन वीडियो को आगे कहीं बेचा जाता था? गुजरात और मुंबई से आरोपियों को फोन करने वाले कौन हैं? इस मामले में चौथा किरदार कौन है जिसकी पुलिस को तलाश है? ऐसे कई सवालों के जवाब पुलिस को अभी तलाशने हैं। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।